गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने मीडिया को दिए अपने बयान में बताया कि कोरोना की स्थिति में लगातार सुधार हो रहा है। 11 जिलों में संक्रमण बेहद कम हो गया है और आने वाले समय में प्रदेश में धीरे धीरे कर्फ्यू में छूट दी जाएगी। 18+ वैक्सीनेशन पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि अब हमने ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया है ताकि तकनीकी दिक्कतों से बचा जा सके। साथ ही मंत्री मिश्रा ने लोगों से वैक्सीन टीम पर हमला नहीं करने की अपील की है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान पर मची रात पर बोलते हुए नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी से उनके संबंध अच्छे नहीं है और वो पूरी कांग्रेस में अलग थलग पड़ गए हैं। कुछ बातें मैंने अभी दतिया में जब उद्बोधन दिया था तब भी कहा था, आज अगर हमारा पुलिस का जवान किसी को मास्क लगाने के लिए रोकता है, टोकता है, या कोई अधिकारी किसी को घर में रहने के लिए रोकता है, टोकता है, तो इसमें उस अधिकारी का क्या हित है? इसमें हम सबका निहित है। आज कोरोना नियंत्रण में आ रहा है तो यह जनता के सहयोग से ही आ रहा है। यह कोरोना की चेन तोड़ने में पूरा प्रदेश एक हुआ, देश एक हुआ और कोरोना की चेन टूट रही है। इसलिए अगर कोई हमारे हित के लिए कुछ कर रहा है तो स्वाभाविक रूप से कोई दवाई अगर कड़वी है और हमें शारीरिक रूप से फायदा पहुंचा रही है तो लेना चाहिए। और अब तो सरकार ने वैक्सीन का ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन भी प्रारंभ कर दिया है। ऑन स्पॉट रजिस्ट्रेशन हो जाने से 18+ के हमारे सभी लोगों को, वो जो बार बार इधर उधर भागना पड़ रहा था, कभी स्लॉट की बारे में आता था कि रात में स्लॉट खुल जाता है, रात में ही बुक हो जाता है, पता नहीं कब खुलता है कब बंद हो जाता है, हम लगातार जनता की सुविधा को सामने रखकर सुधार कर रहे हैं। और मैंने इतना अकर्मण्य विपक्ष का नेता आज तक नहीं देखा। मैं भी 30 साल से सदन में हूं, 31 साल से, एक साल से ऊपर आपको अध्यक्ष बने हो गए, नेता प्रतिपक्ष बने हो गया, एक धरना, एक आंदोलन, एक प्रदर्शन, चलिए छोड़ दीजिए आपकी उम्र है तो धरना प्रदर्शन आंदोलन में दिक्कत होगी, एक सेवा का काम, किसी गरीब को भोजन, किसी अस्पताल में, किसी कोविड सेंटर में, किसी राहत सामग्री में अगर आप दिखे हो तो आप ही बताओ कि मैं यहां पर दिखा। हम उसी को मानेंगे जो आपके